एवरीवन, आज मैं न्यू रेसिपी के साथ हूँ जिसमें मैं बना रही हूँ क्रीमी डिलाइट। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चलें आप शुरू करते हैं। यह आपके सामने आ गए हैं इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने दो हाफ रोल ले लिए मैरी के, दो ओरियो पैकेट्स, एक कप क्रीम, 1 teaspoon वनीला एसेंस और हाफ कप कंडेंस मिल्क। यहाँ मैं बिस्किट्स को ब्लेंड कर लूँगी ब्लेंडर में, फिर मेरे पास कुछ इस तरह का पाउडर बन जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोल ले लिया है जिसके मैं 1 cup क्रीम डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 1/2 cup डालूँगी कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आप दूध को गर्म करके चीनी डाल के थोड़ी देर उबालेंगे तो वो कंडेंस मिल्क बन जाएगा। मैंने फिर इसमें डाला है 1 teaspoon वनीला एसेंस, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और 1 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रख दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अब मैं एक और बॉल ले रही हूँ जिसमें पहले बिस्किट का पाउडर डाल रही हूँ जो मैंने पहले से ब्लेंड किया था। अब मैं इसमें वो फ्रोजन क्रीम मिक्स डाल रही हूँ जो मैंने 1 घंटे के लिए फ्रीज कर दिया था। ये एक पूरी लेयर बन गई। इसके बाद मैं इसमें दोबारा बिस्किट का पाउडर डाल रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से फैला देंगे और बहुत आराम आराम से, क्योंकि ये फ्रोजन है तो सही से सेटल हो जाएगी। अब मैं इसमें दोबारा क्रीम का मिक्स डाल रही हूँ। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही मीठा होगा। ये क्रीम की लेयर हो गई। इसके बाद मैं इसमें दोबारा बिस्किट की लेयर डाल रही हूँ, और फिर 1 last time क्रीम मिक्स। उसके बाद मैंने कुछ ओरियो लिए थे, मैंने उसको भी पाउडर बना दिए और इसके कॉर्नर्स पे डाल दिए। अब आप चाहें तो किसी भी चीज़ को इससे मज़ीद डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चॉकलेट यूज़ किया, चॉकलेट चिप्स। ये आप लेयर देख सकते हैं, इसको फ्रीज कर देंगे 2 घंटे के लिए। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है 2 घंटे बाद। ये बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है, इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बेल आइकन मौजूद है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मेरा इंस्टाग्राम पर अकाउंट है और फेसबुक का पेज भी है, उसको ज़रूर लाइक करें और उसको फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।